हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा नाम है शिवम और इस चैनल पे मोस्टली मैं अब तक बुक्स की वीडियोस अपलोड करता आया हूँ। पर आप सभी को बताते भी रहा हूँ कि इस चैनल पे वो भी वीडियोस आती रहेंगी जो मैं करता हूँ और उसका एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करता हूँ। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अब तक काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं और अभी जो फाइनल दो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि कल मैंने रिलायंस में दिया था और अभी जैसे कि उसके कुछ टाइम पहले जिसके ऊपर वीडियो बेस्ड है, तो मैं आपको दो तरह की जानकारी बताऊंगा। पहली, जो मेरा इंटरव्यू हुआ है विप्रो में टेक्निकल सपोर्ट रोल के लिए, क्या थी क्वेश्चंस और कैसे लाइक उनका प्रोसीजर था। डीप डिटेल नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको खुद ही बता दूंगा तो वहाँ आपको डील डिटेल मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी रोल के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, जैसे कि बड़ी जो कंपनीज होती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूँगा विप्रो कंपनी की ही, क्योंकि वही चीज़ें अगर आप एक बार सही से कर लेते हैं तो बाकी जो और जितने भी रोल्स हैं आप खुद ही हैंडल कर लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विप्रो में जैसे कि मेरा फर्स्ट राउंड था, वॉकिंग इंटरव्यू था। मैंने naukri.com से अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद मुझे मेल आया। इंटरव्यू के लिए गया मैं, इंटरव्यू सेशन में बैठे थोड़ा, फिर वहाँ से रिज्यूमे कलेक्ट किया गया हमारा। और एक बात ध्यान देना, अगर आप जिस रोल के लिए भी जा रहे हो रिज्यूमे उसी के हिसाब से बनाओ। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने टेक्निकल सपोर्ट के लिए गया था, मैंने काफ़ी रिज्यूमे बना के रखे हैं, टेक्निकल सपोर्ट के लिए अलग है और डेवलपर के लिए अलग है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप रिज्यूमे वही सेम रिज्यूमे सबमिट करो, बिकॉज़ मेरा एक फ्रेंड है अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है, वही सेम रिज्यूमे हर जगह वो दे रहा है। बट डोंट माइंड, मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ, ऐसा गलती मत कीजिएगा। ओके, तो मैंने अपना रिज्यूमे उन्हें सबमिट किया। सबका रिज्यूमे कलेक्ट करने के बाद वहाँ पे फर्स्ट राउंड के लिए मुझे बुलाया गया। फर्स्ट राउंड में मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया और मेरा कॉन्फिडेंस चेक किया गया। वहाँ पे मैं कहाँ काम करता हूँ, क्या किया हूँ अब तक, मेरी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें और मेरा बोलने का तरीका जिसे कम्युनिकेशन बोलते हैं, इन्होंने ये सारी चीज़ें मेरी चेक की। तो फर्स्ट राउंड भैया वहीं क्लियर हो गया और मैंने वहीं पूछा नहीं, एक्चुअली उन्होंने खुद ही बता दिया कि आप बाहर वेट कीजिए। मैंने बोला ठीक है, मैं बाहर वेट किया और फिर वेट करते करते दूसरे राउंड की बारी आ गई। दूसरे राउंड के लिए मैं जब गया वहाँ पे, तो वो भाई टेक्निकल राउंड था, काफ़ी लोगों का टेक्निकल राउंड हो चुका था। जैसे कि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस था 1 साल का और मैंने थोड़ा बहुत काम किया था तो मुझे आइडिया था, लेकिन मैंने सबसे क्वेश्चन भी पूछ लिए थे बाहर, जो लोग देखे आए थे कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने जो मुझे बताया था क्वेश्चन उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडियाज़ हो गए थे कि क्या क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। और मैंने तो बहुत पहले से ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था एक दो रोल के लिए, ठीक है, तो भाई मैं तो खुश हो गया, चलो ठीक है। अब मैं चलते हूँ सेकेंड राउंड के लिए। जैसे ही मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद हैव अ सीट, फिर मैं बैठा, थैंक यू बोला और उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन, सामने जो पर्सन थे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि वो कितने टाइम से यहाँ पे काम करते हैं, उनका क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट वर्ड में बताया। उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछने का तरीका, लाइक क्वेश्चन पूछने से पहले उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे काम करते हो और आपकी वहाँ पे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा, एक्चुअली लोग पूरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या काम है बताने लगते हैं, कहीं वहाँ से पेपर उठाना है यहाँ रखना है और वहाँ से पेन उठाना है यहाँ लिखना है, नहीं, उस काम से रिलेटेड आपको वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस मिला है आपको वो बताना है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। और उनको वही चीज़ मेरी पसंद आई और मैंने उसी में से कुछ डिटेल्स उठाई और उनको उनके सामने रख दी, उनको अच्छी लगी। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन का सिलसिला शुरू किया और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया उन्होंने, सो मैं जवाब देता गया। अब टेक्निकल सपोर्ट के लिए क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, गूगल पे अकाउंट कैसे बनाओगे, जीमेल पे पासवर्ड फॉरगेट हो गया यार कैसे करूँ सही, बल्कि इतना ही नहीं और भी छोटे ट्रिकी क्वेश्चन थे। मैं आपको कॉल करता हूँ, क्वेश्चन है,
और आपका वाईफाई नहीं चल रहा है, क्या करोगे? वहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सही करने की, आईपी एड्रेस कैसे चेक करोगे? तो ये काफ़ी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन थे वहाँ पे, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर कैसे कनेक्ट करोगे, राइट? तो ऐसे कुछ क्वेश्चनों का सिलसिला चलता रहा, और फाइनली जब लास्ट क्वेश्चन मेरा आया, उन्होंने बताया कि मुझे ये स्टेप में बताइए, एक बात का ध्यान में रखिए, जो भी जिसके आंसर्स बड़े में होते हैं ना, ट्राई कीजिए उसको स्टेप में बताइए, बिकॉज अगर आप प्रोफेशनल रहते हैं तो सामने वाले को वही चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि इंटरव्यू ही एक एग्ज़ाम होता है जो आपको अंदर जाने में मदद करता है, ठीक है? तो चलिए भैया, मेरा सेकेंड राउंड से उठने से पहले मैं उठा वहाँ से और पूछ लिया सर से डायरेक्टली कि सर रुकना है या जाना है, हिंदी में बोल नहीं सकता था, इंग्लिश में बोला, तो सर बोले वेट कीजिए, ठीक है मैं वेट किया। उसके बाद वहाँ पे सर आए कुछ टाइम बाद, वो टाइम मैं नहीं काउंट करूँगा, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि आप लोग घर पे जाइए, आपको कॉल आएगा। सो भगवान का शुक्र है कि मुझे कॉल आ गया, और कॉल में मुझे थर्ड राउंड के लिए इन्वाइट किया गया, मुझे खुशी हुई। थर्ड राउंड में यार इतना हार्ड था, क्या बताऊँ आपको, हार्ड यानी मेरा कहने का मतलब है कम्युनिकेशन, उसमें इतना ज़्यादा डीप चेक किया ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, ग्रामर चेक किया, बोलने का तरीका, कोई बोल रहा है उसे तुम कितने टाइम तक अपने दिमाग में याद रख सकते हो, उसको बुलवाया गया, तो ये सारे टेस्ट मेरे लिए गए, तो चलिए मैं उसमें भी निकल गया भगवान की दया से। बल्कि इतना ही नहीं, जैसे ही मेरा तीसरा राउंड होता है फिर मैं अब अटक जाता हूँ, चौथे राउंड कब होगा, क्योंकि तीसरा राउंड में टाइम गया था, अब चौथा राउंड जब आ गया तो समझ लीजिए चौथे राउंड में उन्होंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जो कि कल ही हुआ है, ठीक है? चौथा राउंड सबको आइडिया होता है एचआर राउंड होता है, राइट? जिसमें सैलरी की बात होती है, क्या पीएफ रहेगा, क्या हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, और क्या आपका रोल रहेगा, क्या आप उस रोल के लिए ठीक हो, लाइक आप उस रोल को एक्सेप्ट करते हो, टाइमिंग एक्सेप्ट करते हो, और जो लाइक लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है, किसी किसी का दूर रहता है, बहुत ही अच्छी बात है, मेरा नज़दीक है, तो मेरा तो काफ़ी नज़दीक था, तो मैंने सारी चीज़ें जस्ट सुनते गया, समझते गया और ओके बोलते गया, ठीक है? लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, सो मैंने उन्हें बोला नहीं सर, बट आई हैव अ लिटल बिट वन क्वेश्चन। सो उन्होंने बोला क्या क्वेश्चन है, तो मैंने बोला कि सर ज्वाइनिंग कब से कर सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, इसके ऊपर कुछ बात करने के लिए नहीं है, सॉरी एक्चुअली। फिर उन्होंने बोला ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज मैं इंटरव्यू देते देते थक गया था, इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन जो सीखने को मिला भाई ना, वो नेक्स्ट लेवल था। अब तक मैंने मतलब इतना सारा वीडियो देखा, उतना सीखने को नहीं मिला जितना मुझे इंटरव्यू दे करके सीखने को मिला, 10 लोगों से मिलने को मिला, मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए जिसके कारण, और बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है? अब फोर्थ राउंड हो गया है फाइनली मेरा, अब फोर्थ के बाद फिफ्थ राउंड नहीं है, डोंट वरी। अब डायरेक्टली मेरी डिटेल्स उन्होंने मेल की हैं, मतलब मेरी डिटेल्स मांगी हैं मेल पे, मैंने जो कल रात को ही सबमिट कर दिया तुरंत, ठीक है? सो अब मैं वेट कर रहा हूँ ऑफर लेटर का, जिसके बाद मुझे मेरे जो सर्टिफिकेट्स हैं 10th 12th एंड यूनिवर्सिटी के, वो मुझे सबमिट करने होंगे। सो आई एम ओके विद दैट, एंड मैं सबमिट करने के बाद मेरा ऑफर लेटर आ जाएगा, और उसके बाद जो भी चीज़ें आगे होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ओके? अब मैं आता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई अगर आपका किसी भी रोल का कुछ होता है तो आप कैसे क्या चेक कर सकते हो, सैलरी कितनी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन भाई कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसी के लिए तो जॉब कर रहे हो, वही नहीं बता पाओगे तो क्या मतलब है? डरा मत करो कि कंपनी बहुत बड़ी है, रिजेक्ट कर देगी ये, नहीं भाई, विश्वास रखो खुद पे और आगे जाओ। सो मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, मैंने तो पूरा छान मारा था कि क्या सैलरी इस रोल पे हो सकती है, तो मैंने वही डाला और वही मुझे हाथ में भी आई है। टेक्निकल सपोर्ट में विप्रो में क्या सैलरी होती है एक लेवल पे, वो आप चेक कर सकते हो, एम्बिक्स बॉक्स करके है कोई एक वेबसाइट जो मैंने गूगल पे मारी थी, जस्ट आप सर्च मार लीजिए रोल एंड देयर सैलरी एंड देयर वर्क एंड देयर इंटरव्यू क्वेश्चन, ऑल यू विल गेट देयर। ये मेरा आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था आपको, कि जो भी लाइक अगर आप किसी नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, जिस लोकेशन के लिए सबसे मेन चीज़ तैयारी कर रहे हो,
वो ट्राई कीजिएगा कि आप गूगल पे सर्च मारिए, और जो भी पहले दूसरे क्वेश्चन है ना मेरे भाई, उतना बहुत है, कंफ्यूज मत होइए, कॉन्फिडेंट रहिए। झूठ भी बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंट से बोलो कि सामने वाला एकदम एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करता भी है, क्योंकि जहाँ कॉन्फिडेंट